हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद करें। कभी आपने देखा उतावली में आपसे गलतियां हुई हो, आपने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ा हो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम थिंग, आज उसी के बारे में बात करेंगे। यह है सबोपदेश बुक ऑफ इक्लियास्टिक्स चैप्टर 5 पांचवा अध्याय पहले वचन। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यानी कि सुनने से सुनना ज्यादा अच्छा है ना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाना। कई सारे लोगों को देखा है, देयर वाज अ पर्सन इन आवर चर्च, व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू एंड ही यूज्ड टू प्रोक्लेम, वो सब कोई बोलता था, मैंने ये कर दिया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अच्छा, लोग चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि उसका किए हुए काम का प्रतिफल उसे तुरंत मिल गया। ही वॉज नॉट क्वाइट फॉर हिज जॉब। और मैं हर बार उसे हर बात नहीं सिखाता था। यू नो, कभी कभी लोगों को ना हर बात बैठ के सिखाई नहीं जा सकती। आपको ये नहीं बोलना है, आपको ऐसे नहीं खड़ा होना है, आपको ये नहीं ऐसे नहीं बात करनी है, आपको ये नहीं करना है, जो कर रहे हो चुपचाप करो। यू कांट टीच दैम, आप नहीं सिखा सकते। और उम्रदार भी व्यक्ति है, बट समय आता है सब चीज का। अगर आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल आप बहुत जल्दी खोदोगे। ओके, वर्स 2, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। अब यहाँ पर दो बातें समझ लीजिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं जो हैं, जितनी ज्यादा और होंगी उतना मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा या ये अच्छा लगेगा परमेश्वर को। बहुत सारे लोग बड़बड़ कर किए जाते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को अगर आप सुनो तो अजीब लगता है। व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर यू डूइंग? यू ट्राइंग टू टीच गॉड हाउ टू डू, हाउ नॉट टू डू। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना सिर्फ ये नहीं है कि उसके सामने बैठकर बड़बड़ 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 करते जाना, बोलते जाना। नहीं, ये सही नहीं है। सेवरल टाइम इन दिस इज मेंशन इन द बाइबल, पुराने नियम में भी कई जगहों पर है, नए नियम में भी प्रभु ने ये कहा है, बोले कोठरी में जा, चुपचाप बात कर और अच्छी बात कर, साफ कर। कुछ लोगों को चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, को तरीका है, वो यही लगता है उनको कि चिल्ला कर प्रार्थना करना है। मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ, ओके, और आपसे अधिक ज्यादा अन्य भाषा में बोलना मुझे आता है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर से होती है, लोगों से नहीं होती। जब लोग मेरी प्रार्थना को सुने और हल्ला मचाता हूँ मैं। एक अच्छी आवाज में प्रार्थना कीजिए, और अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से प्रार्थना होती है। आपकी आवाज ठीक होनी चाहिए, आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए, आपका बोलना ठीक होना चाहिए, आपके मन में बोलने से पहले आदर होना चाहिए। याद रखो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, उसको सिखा नहीं रहे हो। यू आर नॉट कोच टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर को सिखाओ हर चीज के लिए, हर बात के लिए आप बोलो। और जैसा यहाँ लिखा है, बोलने से पहले ये समझना, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, साफ सुथरे हों, अच्छे हों। मैं हर बात को परमेश्वर को नहीं सिखाता। यू नो, आई प्रे लाइक, प्रभु मैं इस बोझ को तेरे हाथों में रखता हूँ। नम्रता दीनता से किसी भी व्यक्ति के साथ आप बैठे हो तो आप नम्रता दीनता से सुनना पसंद करोगे। यू आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो वो आपसे बदतमीजी बर्दाश्त करे ये उचित नहीं है। कुछ लोग करते हैं, परमेश्वर उन्हें बर्दाश्त कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी को बर्दाश्त करेगा। कब आप सीखोगे? इसीलिए तो हम बुद्धिमान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, बुद्धि की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसने बुद्धि से इस वचन को लिखा है, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा से प्राप्त करके लिखा है, तो यह साधारण बात नहीं है। जैसा लिखा है बस वैसा। दूसरा पद फिर से पढ़ूंगा, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। अपने मन से भी कुछ उतावली में मत निकाल देना। गॉड नोज, सब जानता है परमेश्वर। लिखा है कि इससे पहले कि तू प्रार्थना करे तेरी आवश्यकता क्या है मुझे पता है। नम्रता दीनता से परमेश्वर के साथ बैठो। मेरी प्रार्थना किस तरह से होती है आप मॉर्निंग में देखा होगा। ये प्रार्थना मैं शॉर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि सभी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जो शब्द मुख्य तौर पर जो कहना चाहता हूँ उन्हीं शब्दों को बोलता हूँ। बट माई पर्सनल प्रेयर, इट कुड बी लॉन्ग फॉर आवर्स, इट कुड बी 10 मिनट, इट कुड बी 5 मिनट, इट कुड बी कपल ऑफ मिनट्स। कुछ थोड़े समय के लिए हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है, वो मेरा व्यक्तिगत समय है। मैं कार चलाते समय प्रार्थना करता हूँ, मैं कोई और काम करते समय प्रार्थना करता हूँ, ऑफिस में काम करते समय प्रार्थना करता हूँ, सोचते समय, मनन करते समय, आपसे बात करते समय, और इस समय कई बार बाइबल पढ़ते समय भी मैं प्रार्थना करता होता हूँ। तो मेरी प्रार्थना ठीक है। एक और बात बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति जब भी वो बात करता है तो उसका बात करना सभ्यता के साथ लोगों को पसंद आता है। कुछ लोग ऐसे प्रचारकों को सुनना पसंद करते हैं जो जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हो, प्रचार करते हो, जोर जोर से करते हो। ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कुछ लोग मेरे जैसे प्रचारकों को पसंद करते हैं
जो हर बात साफ साफ कहने की कोशिश करते हो, धीरज से कहने की कोशिश करते हो, समझा कर कहने की कोशिश करते हो, दैट्स ऑल्सो ओके। किसी की एक ऑडियंस है, हर एक किसी का स्वभाव है। हम दोस्त उनको बनाते हैं जो हमारे जैसे, जो किसी और के जैसा उसके साथ हमारी दोस्ती नहीं चल सकती और नहीं बन सकती, ये स्वभाव है। आप अपने जीवन को वैसा बनाइए। कुछ लोगों को ये कहा कि एक बहन ने मुझे मैसेज किया एंड शी इज क्वाइट डिस्परेट। उसे किसी ने कहा था कि रात को 12 से सुबह 3 बजे के बीच की प्रार्थना बहुत जरूरी है, आपके सारे घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप इस समय प्रार्थना कीजिए। व्हाट डू थिंक, आपको क्या लगता है यदि मैं आपको इस समय बैठकर ये सिखाऊं कि 12 से 3 की प्रार्थना जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके घर की समस्याएं दूर नहीं होंगी? दो बातें होंगी, समझदार लोग तो बोलेंगे ठीक है पास्टर जी रहने दो आप, और दूसरे जो लोग है ना वो डर जाएंगे और वो सोचने लगेंगे पास्टर जी ने बोला है देन आई मस्ट सिट 12 to 3। आदमी सोएगा कब यार? हम गांव में नहीं रहते, हम गांव के लोग नहीं हैं, पुराने जमाने के लोग नहीं हैं जिन परिस्थितियों में लोग रहा करते थे। लोग को 7 बजे लोग सो जाते और सुबह 4 से 5 बजे उठ के अपनी रोज की जिंदगी के काम करते थे लोग। लेकिन ये आज भारत और आज दुनिया बहुत अलग है। लोग रात को 11 से 12 बजे 1 बजे बिस्तर में जाते हैं तो सुबह तड़के कैसे उठेंगे वो? दैट इज इम्पॉसिबल। आजकल लोगों का जो है जागना अलग है, सोना अलग है, और लोग आज भी वही चीजों को दोहराते हैं, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। और अगर वो कुछ समय करते भी हैं तो आगे तक नहीं कर पाएंगे। इस तरह की प्रेरणाएं लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। सुबह उठते हैं और दिन भर रोज काम, समय था जब लोगों के पास एक लिमिटेड जॉब हुआ करता था, थोड़े समय के बाद घर लौट आते थे। लेकिन अब कैसा है? तो अब वो बात कीजिए जब लोग अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ संगति करने में पाए वो परेशान हो रही है, मेरे लिए नहीं हो रहा पास्टर जी, कुछ और तरीका बताएं, देयर इज नो एनी अदर वे। जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करो, आत्मिक संगति करो, सच्ची संगति करो जिसे परमेश्वर देखता हो और वह आपकी और परमेश्वर के बीच की हो। लोगों को यह सिखाओ, दैट्स व्हाट आई मोटिवेट अदर्स। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे की प्रार्थना उचित है, ओके अगर आप कर सकते हो वेरी गुड। कोई कहता है रात को 9 बजे की, ठीक है इट्स ओके फाइन दैट्स रियली गुड। कुछ लोग कहते हैं कि जो परिवार के साथ प्रार्थना नहीं करता उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, व्हाट यू थिंक इज दैट राइट? हाँ शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन जो बेचारा अकेला ही है, जो परिवार में अकेला ही विश्वासी है, कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? नहीं नहीं, वो परमेश्वर सुन लेगा। आप बात को मत बदलिए, सिखाइए अच्छी रीति से सिखाइए। वेल अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी, इसलिए कुछ लोगों ने शायद वीडियो बंद कर दिया होगा, इट्स ओके। आई एम नॉट हियर टू कॉल्ड आउट टू स्पीक अकॉर्डिंग यू नो ईयर्स, आपके कान की खुजली के अनुसार से बोलूँ मैं वैसे इसके लिए नहीं बुलाया गया। मुझे आशा है कि आप ये सुनते सीखते हैं और प्रेरित होते हैं। देखिए समय जितना भी है जो भी है वो क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ बिताइए। वर्स 3 तीसरा पद, क्योंकि जैसे सूर्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है वैसे बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हाँ अब सपने के बारे में रह गया था। सपना जो है ना, कई बार लोगों को लगता है हर कोई सपना जो आया वो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। आई हैव सीन दिस ड्रीम, आई हैव सीन दैट ड्रीम, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे कुछ दिन पहले एक सपना आया और इस सपने को मैं नहीं देखना चाह रहा, बट आई वॉज लुकिंग दैट ड्रीम मोर देन 2 or 3 टाइम सेम नाइट। 3 बार मैंने वो सपना देखा, और सपना क्या देखा कि किसी ने फीमेल डॉग को उसके बच्चों के समेत एक गड्ढे में डाल रखा है और उसका गड्ढे का मुंह बंद कर रखा है। एंड आई सॉ दैट, और मैं वहाँ गया और मुझे पता चला, और मैं खोजता रहा कहीं से आवाज़ आ रही है, एक कुत्ता जो है वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, और कुत्ता और उसके बच्चे वहाँ काफ़ी दिनों से हैं और वो भूखे प्यासे हैं। बच्चा भी है और ये फीमेल डॉग है, ये कुतिया जो है अपने बच्चों को दूध पिला रही है, इसके शरीर में कुछ नहीं बचा, ये भूखी है, बच्चे भी हैं और वो अंधेरे में बंद वहाँ पर है, और वो ये स्ट्रीट डॉग है। मैं गया, मैंने उसको वहाँ से निकाला और मैं सोचता रहा क्या प्रभु ये तेरी ओर से है। बस मेरे रोज की चीज़ें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं देखा है किस तरह का। अगर जो परमेश्वर की तरह से स्वप्न आएगा ना, उसको डिफ्रेंशिएट करने में वाकई में पता नहीं मुश्किल नहीं होगी, आसान है। अगर आप परमेश्वर के संग और साथ हैं तो परमेश्वर की मर्जी को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जानते और उसे भी जानते हो। इफ नॉट देन वेट फॉर द लॉर्ड, लॉर्ड विल ओपन दिस थिंग फॉर यू। बहुत बार लोग ऐसे प्रचारकों के पीछे जाते हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हो, बट आर यू श्योर दे आर ट्रू प्रॉफिट, कि वो सच्चे भविष्यवक्ता है? यू नीड टू चेक देम, डोंट बिलीव सडनली। ओके यस ओके चलो थोड़ा आगे बढ़े, दैट्स नॉट माई सब्जेक्ट टू टॉक टू मच। फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। यानी कि जो व्यक्ति कार्य ज्यादा करता है, थक गया है, उसके जीवन में ना ऐसी बातें आना स्वाभाविक है,
कि वो ज्यादा सपने देख रहा है, या ज्यादा जो आलसी पड़ा है ना वो भी सपने ज्यादा देखता है। चौथा पद, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। ये सारी बातें सपनों के बारे में है, किस तरह से परमेश्वर के सामने बात करना है, किस तरह से नहीं करना है। कुछ लोग ये कहते हैं तो पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है, इसलिए ये करो। भाई साहब, बिना पुराने नियम के नया नियम नहीं है। ये आधे अधूरे शिक्षकों के प्रचार हैं जो कि मनुष्य को गलत शिक्षा की ओर बढ़ा रहे हैं, और लोग फिर वही सोचते रहते हैं, लोग उन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। दैट्स क्वाइट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। यू नो, जब पढ़े लिखे नहीं, जब उन्हें पता ही नहीं, जब शिक्षा ही नहीं पता, वचन की वो टीचिंग्स ही नहीं उनके पास, तो वो यही सब सिखाएंगे। खासतौर से ऐसे प्रचारक ज्यादातर पैदा हुए हैं ये लॉकडाउन। प्रचार करना, देखिए, एक व्यक्ति जो प्रभु में आया है उसको सुसमाचार प्रचारक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर एक की जिम्मेदारी है। पर बहुत जल्दी, मतलब ऐसी कलीसियाओं को आप देखो जो चर्च में थे, कल पास्टर के साथ उनको असिस्ट करते थे, उनकी देखभाल में आगे बढ़ते थे, लॉकडाउन में उन्होंने शुरू कर दिया है और प्रचार करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में बड़े प्रचारक बन गए क्योंकि वीडियो ज्यादा लोग देखने लगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वीडियो कितने लोग देखते हैं, पर यह जरूरी है आप सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं। शिक्षा पाई है आपने? क्या वाकई में आप प्रभु के सेवकों के द्वारा ऐसे शिक्षक जो परमेश्वर के वचन से सिखाने में निपुण है, जिन्होंने लंबे समय सालों तक मेहनत की है परमेश्वर के वचन से सीखने में, उनके द्वारा आपने शिक्षा दीक्षा पाई है क्या? दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं है तो फिर सोचिए उसके बारे में। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ वेल, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता, बिकॉज दे कीप देमसेल्फ एंड अंडर द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के हाथ के नीचे रखा है, अगुओं के हाथ के नीचे रखा है। सो दे लर्न, दे स्टिल लर्निंग। और ऐसे लोग घमंडी या फिर बकवादी बात करने वाले या उतावले या गुस्सा करने वाले नहीं होंगे, आप उनके फलों से उनको पहचान लोगे। आठ पद, जीवन निस्सार है। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ता देखे तो इसे चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। केवल उसी के लिए जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। हालेलुया। चैप्टर 5 इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ अस।
हम सब के लिए साफ है, स्पष्ट है। We need to think, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और ये समझ कर, ये पढ़कर हम लोगों की कही हुई बातों को स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका उसी अनुसार प्रत्युत्तर दे पाएंगे। लॉट ऑफ टाइम यू नो, बहुत बार समय कुछ इस प्रकार का होता है, लोग ना समझ पाते, ना बोल पाते और फिर वो गलतियां करते हैं, और ऐसी गलतियां जिसके कारण उनका मन, व्यवहार, चिंताएं, बोझ सभी अलग तरह की परिस्थितियों में होता है। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन वी सी दिस थिंग, हम जब इन चीज़ों को देखें तब ये बातें हमें समझने में, इसे मनन करने में, बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। ज़रूरी होगा कि हम इस बात को अच्छी रीति से देखें, समझें, पहचानें, इसे अच्छी रीति से समझ पाएंगे। मैं कहूँगा कि जो भी बात आप सुनते हैं, चाहे मैं सुनाऊँ या कोई और भी, परखिए कि वो वचन के अनुसार है कि नहीं। हो सकता है कि कुछ बातें आपको सुनने में अच्छी लगें, वो कुछ ऐसी बात बताऊँ और इस रीति से बताऊँ कि मेरी बातें सुनने में मन भाव नहीं लगें, पर अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो ये आपके गले का फंदा बन जाएंगी और मेरे लिए भी। इसलिए वचन को पढ़िए, तभी उसे सुनिए ताकि आप उसे स्वीकार कर पाए, समझ पाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की भलाई आपके जीवन में हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे सातों दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। एक जरूरी सूचना है आपके लिए, हमारा एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है। अब आपको अपने प्ले स्टोर में जाकर या एप स्टोर में जाकर उसे अपडेट करना है, और अगर चाहें तो इसे डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको नए लोगों के साथ नई नई भाषाओं में विजनरी रेडियो सुनने को मिलेगा, बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में, बिल्कुल ही एक अलग तरीके से। सो अभी डाउनलोड कीजिए, अभी अपडेट कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये पुराना एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा। इसलिए अभी डाउनलोड कीजिए और औरों को भी बताइए ताकि वो अलग अलग भाषाओं में, अपनी भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।